अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम बनाएंगे मसाला डोसा, सादा डोसा, आलू की सब्जी, और साथ में हम बना रहे हैं नारियल की चटनी। तो चले दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं। चलिए लीजिए, सबसे पहले डोसे का बैटर बना लेते हैं। तो मैंने इसके अंदर 2 गिलास, ये देखिए ये वाले 3 गिलास भर के मैंने इसके अंदर चावल लिया है, और 1 गिलास भर के दाल रात को भिगो दी थी और अभी इसको पीस लिया है। अभी सुबह हो गई है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 गिलास रवा। तो ये पूरा 4 गिलास और ये 4.5 गिलास का ये हमारा मसाला बना है। रवा हम इसके लिए डालते हैं इसके अंदर, क्योंकि रवे से ना डोसे कुरकुरे बनते हैं। बारीक वाला रवा लीजिए, अगर आपको मोटा है तो मिक्सर से बारीक कर लीजिए। अब इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब नमक भी डाल दिए, अब नमक भी डाल दिए, रवा भी डाल दिए, इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। देखिए अच्छे से हमने इसे अच्छे से कर लिया है मिक्स, और थोड़ा पानी डाले हैं। ये थिकनेस हो जाएगी ना, अब हम इसे ढक के कैबिनेट में रख दीजिए या कोई डब्बे में रख दीजिए, जहाँ आपको लगता है ये राइस हो जाएगा। जैसे आप दही जमाते गरम, वहाँ पे रखिए। बम्बई में तो अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, तो मैं तो इसे ऐसे ही रख दूँगी इस किचन पे साइड में ढक्कन ढक के। तो आप भी इसे रख दीजिए 6 घंटे के लिए। चलिए अब हम आलू का मसाला बना लेते हैं, जो हमें मसाले डोसे में भरना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया। अब इसके अंदर 1/2 चम्मच राई डालूंगी मैं। राई ऐसे चटकेगी ना, तो उसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 चम्मच उड़द की दाल और 1/2 चम्मच डालिया, और इसके साथ डालूंगी 1 पूरा कड़ी पत्ता और 1 हरी मिर्ची स्लेट लगा के। देखिए हमारी बंगार एकदम अच्छी सी तड़क गई है। अब हम इसके अंदर 1 प्याज काटेंगे, लंबा लंबा डालेंगे। देखिए प्याज को खाली हमें ट्रांसपेरेंट ही करना है, हल्का सा गुलाबी हो जाएगा ना, वैसे हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालिए, और 1/2 किलो आलू को मैंने बॉईल करके ऐसा हाथ से मैश कर लिया है। आप मैशर से भी कर सकते हैं, पर हमें आलू को ज़्यादा गुट्ठू नहीं, मतलब नरम नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा रहेगा तो भी चलेगा। तो ये 1/2 किलो आलू है, अब ये इसके अंदर पूरा डालती हूँ मैं। और अब अच्छे से करती हूँ मिक्स। देखिए हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा इसके अंदर मैगी मसाला पाउच डालेंगे, तो ये 1/2 पाउच मैं इसमें डाल रही हूँ। अब अच्छे से करेंगे मिक्स, और फिर आप नमक चेक कर लीजिए, अगर कम लगता है तो आप और डाल सकते हैं, क्योंकि मैगी मसाले में भी अपना नमक होता है, इसलिए मैंने पहले नमक कम डाला। देखिए माशाल्लाह से आलू की हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला और हरा धनिया। अब अच्छे से करेंगे मिक्स और करेंगे गैस बंद। अब हम करते हैं चटनी की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 प्याज, 1 मुट्ठी दालिया, 1 मुट्ठी भर के धनिया, 4 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा इमली, और 1 मुट्ठी शेंगदाना, जिसको मैंने सेक लिया और उसके छिलके हटा दिए हैं। तो आप ये सारा, और इन सबके साथ में ले रही हूँ 1.5 कप गीला नारियल, जिसे मैंने अच्छे से धो के लंबा लंबा काट लिया है। अब इन सबको पीसते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए चटनी अच्छे से पीस गई है माशाल्लाह से, और देखिए ऐसी थिक चाहिए आपको, कैसा चटनी चाहिए आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार चटनी के अंदर, और अच्छे से करेंगे मिक्स। और साइड में मैंने 1 चम्मच भर के तेल चढ़ा दी गरम होने के लिए। इसके अंदर मैं डालूंगी राई की बंगार, चटनी के अंदर कड़ी पत्ता राई की बंगार देंगे, चटनी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो हमने 1/2 चम्मच राई डाल दी इसके अंदर, देखिए राई चटक गई है। अब इसके अंदर डालेंगे कड़ी पत्ते
अब कड़ी पत्ता भी चटक जाएगा। अब करते हैं गैस को बंद। अब बंगार को है ना एक मिनट के लिए बाहर रख देते हैं। अभी खोपरे की चटनी में डालेंगे ना तो बहुत ज्यादा गर्म है, एक मिनट बाद डालेंगे। जब तक चढ़ा लेते हैं डोसे के लिए तवा। देखिए इसे 6-7 घंटे हो गए और कितना फॉर्मेंट हो गया है। तो अब हम इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। ना ही मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा डाला है, ना ही कुछ डाला है, तो भी देखिए कितना अच्छा हुआ है। अब इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। ये वापस हो जाएगा कम। ये जालीदार डोसे बनेंगे बहुत शानदार। अच्छे से मिक्स करके अब इधर तवा चढ़ा लिया हमने गरम, और इसके ऊपर एक जरा सा तेल लगाएंगे, ज्यादा नहीं एकदम जरा सा। चलिए देखिए तवा अच्छे से गर्म हो गया है। थोड़ा सा मैंने ऑयल से ग्रीस कर ली हूँ और इसके ऊपर इसको मीडियम गैस पे करी हूँ मैंने। अब इसके अंदर डालेंगे बैटर और अच्छे से फैला देंगे। अब देखिए किनारों पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और इसे होने देंगे। तो देखिए माशाल्लाह डोसे ने तवा छोड़ने लग गया है। उधर इतना सा बाकी है तो वो गर्म होने देखते हैं। ये तो खुद ही डोसा अपना तवा छोड़ देता है। और मेरा ना नॉनस्टिक पे नहीं बना पाती हूँ मैं, मतलब बना पाती हूँ लेकिन मुझे देखिए नॉर्मल तवे पे माशाल्लाह, इसी पे मैं रोटी बनाती हूँ, इसी पे मैं डोसे। देखिए डोसा कितना अच्छा निकला है। तो ये देखिए हो गया हमारा डोसा। अब करते हैं सब टाइम और इस तरफ से भी सेक लेंगे। ये सिंपल डोसा है, मेरी बेटी खाएगी तो मैंने कहा पहले उसको पकड़ा देती हूँ फिर आगे बढ़ाती हूँ। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और दूसरा डोसा डालते हैं। चलिए अच्छे से ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का, घी का। मैंने तेल डाल दिया। अब इसके अंदर एक चम्मच, ये आपकी चॉइस है आपको कितना डालना है, मैंने चाय वाले 2 चम्मच ढक के डाल दी हूँ। अब इसे फैला देंगे अच्छे से। तो लीजिए तैयार है, किनारे छोड़ दिए डोसे ने, पलटी करेंगे। लीजिए देखिए तैयार है हमारा मसाला डोसा। अब इसे निकालते हैं और दूसरा और एक और आपको बना के दिखाते हैं। लीजिए हमने दूसरा भी डोसा डाल दिए हैं। गैस हमें मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई पे भी नहीं रखना है ना ज़्यादा लो पे। मीडियम गैस पे बनाइए, बहुत अच्छे डोसे बनते हैं। और इसमें ऑयल लगा देते हैं किनारों में अच्छे से। किनारों में ऑयल डालने से ना डोसा खुद ब खुद उठ जाता है तवे से, हमें उठाना नहीं पड़ता है। तो देखिए 1 चम्मच या 2 चम्मच जैसी आपकी चॉइस है। वैसे हम आलू की सब्जी लगा लेंगे जो हमने मसाला बनाया आलू वाला, ये लगा देंगे। और एक और मैं आपको स्पेशल डोसा बनाना सिखा रही हूँ, ये मेरा फेवरेट डोसा है। मैं लेती हूँ बीका जी की भुजिया और वो भी डालती हूँ डोसे पे। और ये डोसा है ना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा डालिए, आजकल चल रहे हैं ना चीज़ वाले डोसे, तो मैं चीज़ वाला भी बनाती हूँ। पर मेरे बेटे को ना चीज़ पर्सनली बहुत पसंद है लेकिन डोसे में नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं चीज़ वाला डोसा अवॉइड करती हूँ। तो देखिए तैयार है हमारा, भुजिया वाला डोसा। टर्न करेंगे आप डोसे, देखिए कितने अच्छे बने माशाल्लाह से। अब एक और सिंपल आपको दिखाते हैं लास्ट फिर हम। तो देखिए एक और डोसा मैंने फैला दिया है तवे पे, तेल डाल दिया है। और अब देखिए हमारी बंगार भी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब डालेंगे, क्योंकि कोकोनट पे ना गरम गरम बंगार भी दिया हुआ अच्छा नहीं होता है, वो ठंडा होता है। और गरम गरम तेल डाला हुआ मुझे तो ठीक नहीं लगती है वो वाली चटनी, मैं बाद में डाल देती हूँ। तैयार है हमारी चटनी और हमारा डोसा। अब करते हैं प्लेटिंग और आपको दिखाते हैं। तो लीजिए माशाल्लाह से मसाला डोसा, सादा डोसा तैयार है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।